नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एग्ज़ाम शेड्यूल पर। और आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हिंदी भाषा साहित्य का उदय, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका ओरिजिन जो कि उद्गम स्थान है वो कहाँ से है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो हमारी हिंदी है, हिंदी ईरानियों की देन है। संस्कृत की जो सा ध्वनि थी उसे फारसी में हा बोला जाता था। हिंदी की जो सा संस्कृत की जो सा ध्वनि थी फारसी में उसे हा बोला जाता था, जैसे कि सप्ताह को हफ्ता, असुर को अहुर और सिंधु को हिंदू। अभी भी आपने देखा होगा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सप्ताह को अभी भी हफ्ता बोलते हैं कि कौन सा हफ्ता चल रहा है और ये दूसरा हफ्ता है महीने का या तीसरा है, तो ऐसे करके अभी भी सप्ताह को हफ्ता बोला जाता है। तो असुर को अहुर और सिंधु को हिंदू बोला जाता था। अब बात करते हैं कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में लगभग जो सिंधु नदी बहती है, आप सबने सुना होगा सिंधु नदी बहती है, उससे जो ईरानी जो थे उन्होंने हिंदू या उसे हिंद कहते थे। और उस समय कालांतर में यही सिंधु नदी के जो पार का जो संपूर्ण भाग था वो हिंद कहा जाने लगा और जो हिंद की भाषा थी वो हिंदी कहलाई। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति एक तो यहाँ से मानी जाती है कि जो सिंधु का क्षेत्र था ईरानियों द्वारा उसको सा का प्रोनंसिएशन उच्चारण नहीं सही से कर पाए, उसको फारसी में उन्होंने हाँ बोला और यहीं पर उन्होंने सप्ताह को हफ्ता यानी कि जो सा ध्वनि थी उसको हा उन्होंने बोला और इस प्रकार से हिंदी भाषा का जो उदय माना जाता है। अब अगर हम बात करें कि मध्यकालीन कई भाषाएं थी, मध्यकालीन में हमारी अरबी कम फारसी और जो हमारा भारतीय संस्कृत साहित्य था, एक हमारी पाली थी और प्राकृत भाषा में जवान ए हिंद शब्द का उल्लेख मिलता है। मध्यकालीन अरबी फारसी भारतीय संस्कृत साहित्य और पाली और प्राकृत भाषा में जबान ए हिंद नाम का एक शब्द मिलता है, जिससे पता चलता है कि जो हमारी हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई थी वह कहाँ से हुई थी। और जो हमारा भारत का साहित्य है, यहाँ पर नोट करके मैं लिखता हूँ, जो हमारा भारत का साहित्य है उस भारत के साहित्य में जो संस्कृत भाषा है, प्राकृत भाषा है और अपभ्रंश है, इसमें भाषा के स्थान पर भाखा शब्द का उच्चारण भी मिलता है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा था, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। मैं सारी चीज़ें आपको लिख नहीं रहा हूँ लेकिन फिर भी आपको ऐसे अपने मुख से बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, तो उसमें भाखा शब्द का जो उच्चारण किया गया है वो भाषा के स्थान पर किया गया है। और चाहे वो जायसी जी हों, उन्होंने लिखा लिखी भाखा चौपाई कहे, यानी कि जो भाखा शब्द का जो उच्चारण किया गया है उसका असली मतलब भाषा से ही है, यानी कि उन्होंने सा को खा लिखा, भाषा के स्थान पर उन्होंने भाखा शब्द का उच्चारण किया। अब बात करते हैं जो हमारे एक कवि थे, महान कवि थे अमीर खुसरो साहब थे। ये 1253 से लेके लगभग 1325 ईस्वी तक थे, 1253 से 1325 ईस्वी तक रहे। इन्होंने सबसे पहले भाषा के स्थान पर भाखा शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सबसे पहले भाषा के स्थान पर भाखा शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका उत्तर आता है
अमीर खुसरो। किसने किया? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सबसे पहले भाषा के स्थान पर भाषा शब्द का इस्तेमाल किया और हिंदी या और यहीं पर हिंदी के स्थान पर इन्होंने हिंदवी शब्द का भी इस्तेमाल किया। हिंदी के स्थान पर इन्होंने हिंदवी शब्द का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। एक तो पहला तो हमारा भाषा के स्थान पर भाखा शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? तो अमीर खुसरो साहब ने, और हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। अब बात करें कि अमीर खुसरो और किस लिए फेमस थे। एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक जो थे उनके बेटे के लिए हिंदी की शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसे बोलते हैं खालिक बरी नाम की एक डिक्शनरी जिसे बोलते हैं फारसी हिंदी कोश, इंग्लिश में डिक्शनरी बोलते हैं। तो खालिक बरी नाम की एक डिक्शनरी का उन्होंने रचना की जिसमें जो हिंदवी शब्द है उसमें हिंदवी शब्द आया था 30 बार और हिंदी शब्द का उल्लेख है 5 बार। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि खालिक बरी की रचना किसने की थी और खालिक बरी क्या है। क्योंकि देखिए अब जो एग्ज़ाम का जो स्तर है वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसमें क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे हमारे स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल अभी आने वाला है, UPSI हो, PCS हो, जिसमें भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी में एक अच्छे लेवल के अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी शब्द का अगर हम प्राचीनतम प्रयोग अगर माने शरफुद्दीन के जफरनामा में देखने को मिलता है और इसकी रचना इन्होंने की थी 1424 ईस्वी में। तो एक तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस में देखने को मिलता है, तो ये है हमारा जफरनामा में। और जफरनामा किसने लिखा था? लिखा था शरफुद्दीन ने। और किस ईस्वी में? 1424 में। तो 1424 में लिखा था शरफुद्दीन ने और शरफुद्दीन की जो कृति है वो है जफरनामा, 1424 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें हिंदी शब्द का सबसे पहले प्राचीनतम प्रयोग किया गया था। तो इससे कई सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कई सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति है उसका जो समय काल है वो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि प्राचीनतम जो आर्य भाषा का काल है, भारतीयों को आर्य भी कहा जाता था, आर्य भाषा का जो काल है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस दौरान ये जो हमारी 1500 से 500 ये जो इस दौरान जो हमारी बोलचाल की भाषा थी वो थी संस्कृत। अब संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत के दो रूप थे। एक तो हमारा था वैदिक संस्कृत और एक था हमारा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है वो सबसे पुरानी थी और उसके बाद हमारी लौकिक संस्कृत आई। जितने भी हमारे वेद पुराण महाकाव्य जितने भी थे सारे वैदिक संस्कृत में लिखे गए। तो इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा हम बाद में करेंगे।
कि वैदिक संस्कृत का समय काल कब से कब तक था, लौकिक संस्कृत का समय काल कब से कब तक था, संस्कृत के बारे में। और उसके बाद हमारी आती है जो कालांतर में परिवर्तित हुई हमारी संस्कृतकालीन जो बोलचाल भाषा थी पाली, उसका पाली का समय क्या था, प्राकृत आई, उसके बाद इस अवधि में कई सारे परिवर्तन हुए, सौर सेनी आई, पैसाची आई, ब्राचड़ आई, महाराष्ट्रीय आई, मागधी आई, अर्ध मागधी आई, इन सब बोलियों को जो विकसित होने का जो क्रम था इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि हिंदी का विकास क्रम किन किन अवधि में हुआ और इसका समय काल कौन कौन सा था, और जो वैदिक था वैदिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत थी, उसके बाद इन सब में परिवर्तन कैसे आए, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर था ये आपका एक लाइक आप बोल सकते हैं कि एक इंट्रो लेक्चर था जिसमें आपको हिंदी साहित्य के बारे में एक रूपरेखा तैयार किया गया है और इससे आपको पता चलेगा कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और एग्ज़ाम में कौन कौन से, ये जो मैंने आपको जितना बताया इससे आपको एक या दो प्रश्न हर पेपर में हर एग्ज़ाम में आपको पक्का 100% 100% है कि आपको देखने को मिलते हैं। और आप अगर प्रैक्टिस पेपर देखेंगे उनको हल करेंगे तो आपको पक्का देखने को मिलेगा कि उनमें गारंटी आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर इसमें से मिलेगा, चाहे वो समय काल हो या रचना के बारे में पूछे कि हिंदी साहित्य की उत्पत्ति किससे हुई और प्राचीनतम प्रयोग कहाँ कहाँ किए गए, कहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है या आप कुछ भी और भी इसमें से परिवर्तन चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी अगर आप जानकारी भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपका जो भी आपका प्रॉब्लम होगी, आपकी समस्या होगी, उसको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।